सीधे बैठे, आंखें कोमलता से बंद कर ली, पीठ गर्दन बिल्कुल सीधे, अपने हाथों को सहजता से घुटने के ऊपर रख ले। अब उन आवाज़ों को सुने जो आपके आसपास सुनाई दे रही है, जो भी आपको सुनाई दे रही है उन पर अपने अवेयरनेस को ले जाएं। अब अपने मन को अपने भीतर की ओर ले जाएं। सुने अपनी श्वासों को, श्वासों की गति को महसूस करें, कैसे आप श्वास ले रहे हैं। श्वासों को बिल्कुल नॉर्मल रखें, देखिए कैसे आप सहज रूप से श्वास लेते जा रहे हैं। सहज रूप से श्वास लेना शांति का प्रतीक है। अब सुनिए अपने दिल के धड़कन को, महसूस करें कैसे शांत रूप से वह अपना काम कर रहा है। अब हम बीइंग प्लेफुल मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। उस पल के बारे में सोचें जब आप बहुत प्लेफुल थे, चंचल थे। आप अपने बचपन के कोई पल को सोच सकते हैं या फिर अपने टीनेज के। आप अपना एक छोटा चुलबुला सेल्फ को भी इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि आपके भीतर भी एक छोटा सा चुलबुला सा बच्चा है। अब जैसे जैसे आप रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हैं, वैसे वैसे आप प्लेफुल होते जा रहे हैं। प्लेफुलनेस एक ऐसी इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है जो हम सब के भीतर है, लेकिन हम में से कई ने उसे कहीं साइड में कर रखा है। आज हम उसी प्लेफुलनेस की क्वालिटी को जीने जा रहे हैं। अपने आप को प्लेफुल फॉर्म में देखें। आप कोई भी काम कर रहे हो या किसी भी स्थिति में हो, एक चुलबुलेपन के साथ उस कार्य को करते हुए अपने आप को देखें। कितना सुकून मिल रहा है आपको अपने प्लेफुल आप के साथ जीने में। जैसे जैसे आप प्लेफुलनेस को जी रहे हैं, वैसे वैसे आप अपने भीतर एक खुशी, एक एनर्जी को महसूस कर रहे हैं। यही स्थिति है खुशी की, जो आपको कोई भी चैलेंज से डील करने में मदद करेगा। आप लाइट हार्टेड महसूस कर रहे हैं। प्लेफुलनेस और सीरियसनेस के बीच में बैलेंस बनाना ज़रूरी है। ये आपको कोई भी सिचुएशन को मैनेज करने में मदद करेगा। प्लेफुल रहना कितना आसान है, कितने ही सहजता से आप प्लेफुल हो रहे हैं। आप अपने चेहरे की मुस्कुराहट को, उस चुलबुले आप को देख पा रहे हैं। देखने का प्रयास करें कि इस मस्ती के रूप में आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। हर एक डिटेल को कल्पना करें। यदि आपके साथ कोई और भी है, उन्हें भी इस प्लेफुल स्थिति में देखें। अब उन चीज़ों को देखने का प्रयास करें जो आप कल करने वाले हैं। हो सकता है आप घर पे हो, स्कूल में हो, ऑफिस में या फिर कहीं और। सुबह के समय को देखें और देखें आप क्या करने वाले हैं। सोचे आप उसे एक प्लेफुल ढंग से कर पा रहे हैं, प्लेफुल ढंग से उन कार्यों को करते जा रहे हैं। भीतर एक उत्साह भरकर चेहरे पर एक मुस्कान के साथ सोचिए ऐसी स्थिति आपको कैसा महसूस करा रही है। देखने का प्रयास करें आप ऐसी स्थिति में कैसे बिहेव कर रहे हैं। अपने भीतर एक नए उमंग को महसूस करें। देखिए प्लेफुल होकर कार्य करने से आपको कैसे मदद मिल रही है। अब दोपहर के समय को कल्पना करें। देखें कि आप कैसे और प्लेफुल होकर कार्य कर रहे हैं, और भी ज़्यादा प्लेफुल। उन कार्यों को सोचें जो आप उस समय दोपहर को करने वाले हैं। कैसे आप उन कार्यों को करेंगे अपने प्लेफुल सेल्फ से कनेक्ट रहते हुए।
कैसे आप सहजता से स्ट्रेस को हैंडल करेंगे, कैसे आप हर दिन थोड़ा अलग तरह से हर चीज़ को डील करेंगे। अपने भीतर एक कॉन्फिडेंस और प्लेफुलनेस को महसूस करें। अब दिन के अंतिम भाग में आ जाएं। देखिए, आप और भी अधिक प्लेफुल और पीसफुल महसूस कर रहे हैं। आपने अपने दिन को अपने कंट्रोल में रखा केवल एक प्लेफुलनेस की भावना को अपनाकर। कैसा महसूस होता है प्लेफुलनेस को अपनाकर? महसूस कीजिए उस खुशी को, एक बच्चे जैसी शुद्ध खुशी। अब कुछ अफर्मेशंस को सुनकर इस प्लेफुलनेस को और अपने भीतर दृढ़ करें। जैसे जैसे मैं एक एक वाक्य बोलते जाऊंगी, उसे अपने मन में दोहराएं और महसूस करें। मैं प्लेफुल हूँ, मैं प्लेफुल हूँ। प्लेफुल होना बहुत ही अच्छी बात है, प्लेफुल होना बहुत ही अच्छी बात है। कुछ समय मैं सीरियस होता हूँ या होती हूँ, पर अधिकतर समय प्लेफुल। कुछ समय मैं सीरियस होता हूँ या होती हूँ, पर अधिकतर समय प्लेफुल। मैं प्लेफुल तरह से बिहेव करने में सक्षम हूँ, मैं प्लेफुल तरह से बिहेव करने में सक्षम हूँ। कोई भी तनाव की स्थिति में मैं प्लेफुल रहने में सक्षम हूँ, कोई भी तनाव की स्थिति में मैं प्लेफुल रहने में सक्षम हूँ। अब अपने प्रेजेंट सेल्फ को इमेजिन करें। देखें कि आप अपने इनर प्लेफुल सेल्फ से कनेक्टेड है। अपने आप को अधिक प्लेफुल रूप में देखें। सोचें उन सिचुएशंस या लोगों को जिनके बीच में आप स्ट्रेसफुल महसूस करते थे, पर अब नहीं। अब आप किसी भी परिस्थिति या लोगों को आसानी से हैंडल करने में सक्षम हैं। अब अपना अवेयरनेस अपने बॉडी पर ले आए। अपने बॉडी को ज़रा स्कैन करें और देखें आपका बॉडी कितना लाइट फील कर रहा है। अपने श्वासों की ओर अपना ध्यान ले जाएं। अब उन आवाज़ों की ओर अपना ध्यान ले जाएं जो आपके आसपास सुनाई दे रही है। अब उस कमरे की तरफ अपने अवेयरनेस को ले जाएं जहां आप हैं। अब आप अपने रेगुलर कार्यों को एक प्लेफुल इनर सेल्फ के दोस्त के साथ आसानी से करने के लिए तैयार हैं। आप इस स्थिति में थोड़ी देर और बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, और यदि आप इस स्थिति से बाहर आकर अपने नॉर्मल कार्य को करना चाहते हैं तो मेरे तीन गिनते आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। 1, 2, 3। धन्यवाद।